उधर हिमाचल में कांग्रेस की रिकॉर्ड जीत के बाद से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कई बड़े नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जल्द ही जीते हुए विधायकों की बैठक की जाएगी और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 3 बजे बुलाए हैं सारे विधायक, जो हमारे 40 विधायक जीते हैं उनकी सबकी हमने मीटिंग बुलाई है। सब विधायकों से हम अलग अलग बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे, उसके बाद पार्टी फैसला करेगी। तो मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल करने के लिए क्या विधायकों से पूछेंगे, विधायकों से उनका कंसेंसस क्या बनता है लेंगे, वो सारी बात जो है उनसे बात करने के बाद। सर, एक ऐसी चर्चा भी चली हुई है कि मुख्यमंत्री को लेकर आपसी रसाकसी है, जो कोई रसाकसी नहीं है, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी सौंपी हाईकमान ने, तो हम सबसे बात करके विचार जान के जब कोई फैसला लेंगे। कल भी एक बैठक हुई थी, उसमें भी जो है आप लोगों ने चर्चा की थी, उससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग की बात निकल के सामने आ रही थी, ऐसा कोई डर है आप? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का कोई डर नहीं, क्योंकि हमारी क्लियर कट मेजोरिटी है। हम सब विधायकों से बात करके हाईकमान से चर्चा करेंगे, उनको जानकारी देंगे, तुरंत फैसला करेंगे। पार्टी हाईकमान की तरफ से कौन कौन नेता रहेंगे सर? वहाँ बघेल जी हैं, मैं हूँ और शुक्ला जी हैं। दावेदारी कब तक पेश कर देंगे सर? सरकार दावेदारी आज गवर्नर से टाइम मिल गया तो आज ही कर देंगे।